कुमारी जिसकी जन, कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसकी चन, शहनशाह ताजमहल उनका हृदय है, ऐसी इस पवित्र भूमि पर जिसके ऊपर उपस्थित आप सभी को मेरा सलाम। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी को गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी को गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्योंकि तिरंगा हो तो मेरा बस यही अरमान रहती हूँ, बस यही अरमान रहती हूँ। आज मुझे बोलना है और आप सभी को समझ के सुनना है कि देशभक्ति एवं राष्ट्र सम्मान माने न्यावत आज़ादी का पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं ये नहीं मानती, मैं ये नहीं मानती कि राष्ट्रगान के पांव से कर में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय की जो वसूल से नारा लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ स्वच्छ की भावनाएं मुझे रचित लोग से आते हैं, ये वो सदी है जहाँ नैतिकता जैसे मूल्य तुल्य के भाव मुझे लोग से आते हैं, ये वो सदी है जहाँ नैतिकता जैसे मूल्य तुल्य के भाव मुझे लोग से आते हैं, ये वो सदी है जहाँ सत्य और अहिंसा सदाचार स्वार्थ एवं स्नेह जैसे आदतों को लोग भक्ष्य उड़ाते हैं मुझे लोग से आते हैं, और जिस घर में हो सके भाई भी साथ भी अमन चैन और शांति पर बड़े ही मुश्किल से जीते नजर आते हैं, और जिस देश को फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे स्पोर्ट्स करने